नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब बाय सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने सैनिक स्कूल अमेठी जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से कुछ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ की वैकेंसी आई हुई है, उसका डिटेल्स बता रहा हूँ। तो इस डिटेल्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज़ का लाभ उठा पाए। दोस्तों, तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले जो है TGT इंग्लिश जनरल कैटेगरी, TGT जनरल साइंस जनरल कैटेगरी, उसके अलावा TGT मैथ्स, TGT हिंदी रिजर्व फॉर SC, TGT कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व, उसके अलावा TGT सोशल साइंस एंड क्वार्टर मास्टर अनरिजर्व पोस्ट, UDC अनरिजर्व, LDC एक रिजर्व फॉर SC, ड्राइवर अनरिजर्व, जनरल एम्प्लॉय रेगुलर पोस्ट 6, जनरल एम्प्लॉय फीमेल रेगुलर पोस्ट 1, जनरल एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल 3 पोस्ट, मैट्रॉन फीमेल ओनली 1 कॉन्ट्रेक्चुअल 1 पोस्ट, और नर्सिंग सिस्टर। तो जो क्वालिफिकेशन है वो अब हम लोग देखते हैं। तो जो TGT की पोस्ट के लिए है, उसके लिए आप लोग जानते ही हैं कि आपका BA प्लस BEd होना ज़रूरी है उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और मिनिमम 50% मार्क, और CTET आपका होना ज़रूरी है, और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। एज जो है बिटवीन 21 से 35 साल तक 6 जनवरी 2020 तक आपको होना चाहिए, और अगर आप PG डिग्री और अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। और आपको जो है एक्सपीरियंस अगर रेसिडेंशियल स्कूल का है और इंग्लिश मीडियम में आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, गेम की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों, और कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना ज़रूरी है। जो सैलरी है इसका 44,900 रुपया प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और TGT जनरल साइंस के लिए आपका जो है आपका बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री 3 ईयर में होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है 2 सब्जेक्ट आपका प्रोवाइड अगर आप पढ़े हैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन फाइनल ईयर, यानी आपका जो है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों आउट ऑफ बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री को छोड़ करके, या फिर इस तरह से देख लीजिए बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन केस ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ मेंशन 3 सब्जेक्ट, यानी इस 3 सब्जेक्ट में कोई भी एक का ऑनर्स होना चाहिए मगर 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। और जैसा आपको पिछली वैकेंसी मैंने बताया BEd और CTET होना ज़रूरी है, एज तो मैंने बता चुका हूँ, और जो एक्स्ट्रा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपको मालूम ही है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, कंप्यूटर का आपको जानकारी होना चाहिए, गेम का अगर जानकारी है, हायर क्वालिफिकेशन है तो प्रीफर किया जाएगा। इसके अलावा TGT मैथ में जो है आपका मैथ से ऑनर्स होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और अदर क्वालिफिकेशन मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। TGT हिंदी के लिए भी हिंदी में आपका जो है 50% हिंदी ऑनर्स विथ BEd होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। TGT कंप्यूटर साइंस, इसके लिए BE और BTech कंप्यूटर साइंस से अगर हैं, या फिर आप अगर डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका BE, BTech, एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर आप BE या BTech हैं किसी भी स्ट्रीम से और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर से तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। BCA या कंप्यूटर BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, इनके लिए कोई BEd की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो है प्रोफेंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करने के लिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। और TGT सोशल साइंस में आपका जो है क्वालिफिकेशन दोस्तों हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, और एक अदर सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस में 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और BEd होना चाहिए, और अदर क्वालिफिकेशन मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। और क्वार्टर मास्टर के लिए BA, BCom, BSc, BBA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC या स्टोर और JCO लेवल का
और 18 से 50 साल एज, और आपका डिजायरेबल है अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमबीए वगैरह है तो आपको दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। कंप्यूटर की भी जानकारी होना चाहिए और यूडीसी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड की जानकारी होना चाहिए, एज 18 से 50 होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। एलडीसी के लिए जो है आपका 12th क्लास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होना चाहिए। आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है आना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। ड्राइवर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका सूट प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस विद एबिलिटी टू ड्राइव हैवी व्हीकल आपको चलाने की जानकारी होना चाहिए दोस्तों, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लाइट व्हीकल का, और एक सर्विस मैन अगर ड्राइवर हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। जनरल एम्प्लॉय के लिए आपको जो है 18 से 50 साल एज, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है कुकिंग, ग्राइंडिंग, कीपिंग, कारपेंट्री, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, मैसेंजर, ये सब की तो आपको प्रीफर किया जाएगा। अगर आपका रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा दोस्तों। ये देखिए नोट में दिया है आपका टोटल 7 वैकेंसी है जिसमें 6 जो है जेंट्स के लिए है, 1 फीमेल के लिए है और एससी से एक के लिए, एक एक जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व है, और जनरल एम्प्लॉय फीमेल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है दोस्तों। जनरल एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। मैट्रॉन के लिए जो है आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम डिग्री हैं तो आपको प्रीफर किया जाएगा। स्पोर्ट आर्ट म्यूजिक की जानकारी होना चाहिए। आप अगर आपका एक्सपीरियंस है मैट्रोनिन जूनियर अल होल्डिंग हाउस एंड ऑल्सो एक्स फ्रेंड्स ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रेन विद एफेक्शन विल बी प्रीफर्ड, अगर आपका इसका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। नर्सिंग सिस्टर के लिए आपका जो है नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और इसमें सैलरी जो है 25,000 प्लस जो अदर बेनिफिट है वो दिया जाएगा, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। अगर आपका रेसिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है तो प्रीफर किया जाएगा। सैलरी जो है 7 CPC के अनुसार दी जाएगी। अदर कंडीशन जो है स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लागू होता है, और जो फॉर्म है दोस्तों और www.amethai.nic.in से जा करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को फिल कर दें, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड अटैच कर दें, 25 रुपये का डाक टिकट लगा करके दोस्तों आप DD बनाएंगे। अगर जनरल के हैं तो 500 रुपये, और अगर SC ST है तो 250 रुपये का, और DD जो बनाएंगे वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेएबल एट पंजाब नेशनल बैंक सुड रिच स्कूल में आपका यहाँ इस एड्रेस पर भेजना है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी कौहर गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश, पिन नंबर 22704 09, 6 जनवरी 2020 में तक आपका जो है पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। और अगर आपको यहां देखिए डिटेल ऑफ SS अमेठी बैंक अकाउंट नंबर का डिटेल दिया गया है, आप DD जो है यहां से बना सकते हैं। अगर एप्लीकेशन लेट से पहुँचता तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर पोस्टल डिले है तो वो आपकी जो है स्कूल अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रयोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नंबर है 6000860032। क्वेरी टाइम फॉर 10 बजे से 5 बजे तक आप दिन में जो है कॉल करिए दोस्तों। और देखिए इस तरह से जो है फॉर्म होगा, देख सकते हैं। जी दोस्तों इस फॉर्म को फॉलो करें, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद।